वेलकम फ्रेंड, आज फिर आपका एक बार स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में, पाइपिंग नॉलेज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। टुडे डिस्कस अबाउट बेसिक ऑफ आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग। आज जो हम बात करने वाले हैं वो आइसोमेट्रिक ड्रॉइंग के बेसिक के बारे में इंट्रोडक्शन और उसको कैसे रीड करते हैं इसके बारे में बात करेंगे। आज जो हम बात करेंगे उसका क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, पाइप कैसे पाइप आइसो देखते हैं। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और सबसे स्पेशल बात है कि पाइपिंग से रिलेटेड कोई भी जॉब हो या कोई भी रिफाइनरी में पाइपिंग से रिलेटेड जॉब हो तो आपको पाइपिंग आइसोमेट्रिक से ही मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन मिलता है। लाइक फैब्रिकेशन, असेंबली करना हो, डिसेंबल करना हो, इरेक्शन करना हो, कमीशनिंग करना हो, वॉल्व का साइज, रेटिंग, ये सब आप पूरी फुल डिटेल में आपको पाइपिंग आइसोमेट्रिक से ही मिलेगा। और इसलिए आपको पाइपिंग आइसोमेट्रिक समझना बहुत ज़रूरी है। आइसोमेट्रिक को कैसे रीड आउट करना है और इसे समझने के लिए कुछ बेसिक रूल है उसको समझना होता है। आज के वीडियो में हम लोग इसी बेसिक ड्राइंग एरिया और नॉन ड्राइंग एरिया के बारे में बात करेंगे। आप जो ये डिस्प्ले पर देख रहे हैं वो एक ड्राइंग एरिया है, जो बेसिक ड्राइंग एरिया है। अब आप जो डिस्प्ले पर देख रहे हैं वो एक बेसिक नॉन ड्राइंग एरिया है। इसमें इस ड्राइंग से रिलेटेड इंफॉर्मेशन का डिटेल दिया रहता है। जब भी आप कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग देखते हैं तो हम हर ड्राइंग का पॉइंट ऑफ रेफरेंस होता है, ड्राइंग का ओरिएंटेशन, और वो ऑलवेज एरो नॉर्थ साइड का एरो शो होता रहता है। नॉर्थ एरो पॉइंटिंग एंड नॉर्थ साइड एरो का मार्किंग वो आपके ड्राइंग के डिस्प्ले पे दिख रहा है। नॉर्थ साइड का एरो आपको मार्किंग करके दिखाया हुआ रहता है। अब इसके रेफरेंस में आप चारों डायरेक्शन का, अगर नॉर्थ एरो आपका सिंबल इस टाइप से दिया है तो आप इसके अपोजिट में साउथ और इसके राइट हैंड के साइड ईस्ट, और वेस्ट डायरेक्शन ईस्ट, राइट हैंड के साथ ईस्ट एंड लेफ्ट हैंड के साथ वेस्ट डायरेक्शन देख सकते हैं। इसमें दो और एक्स्ट्रा डायरेक्शन होते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं अप और डाउन। बेसिकली हमारा ये 6 डायरेक्शन होता है जो हमारे पाइपिंग आइसोमेट्रिक को, अगर हम किसी भी डायरेक्शन में चेंज करते हैं, सपोज नॉर्थ से ईस्ट की तरफ जाते हैं तो हम 90 डिग्री का एल्बो यूज़ करते हैं। अगर हम ईस्ट से डाउन की तरफ या अप की तरफ या वेस्ट की तरफ जाना, ईस्ट से साउथ की तरफ जाना है तो हम 90 डिग्री का एल्बो यूज़ करेंगे। मोस्टली 90 डिग्री का एल्बो यूज़ करते हैं फॉर डायरेक्शन चेंज करने के लिए। अगर 90 डिग्री के अलावा भी कोई और डायरेक्शन में पाइप जा रही है, समझिए ईस्ट और नॉर्थ के बीच में पाइप जा रहा है, तो हम उसको ऑफसेट है, और वो नेक्स्ट ऑफसेट के बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। आइए हम एक आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बारे में एक छोटा सा डेफिनेशन देखते हैं कि ऑफिशियल डेफिनेशन इसका क्या है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग आर ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ 3D रूटेड लाइन इन 2D प्लेन दैट कंबाइन हाइट लेंथ ऑफ पाइप इन ए सिंगल ड्राइंग विद ए 30 डिग्री एंगल ऑन बोथ साइड फ्रॉम हॉरिजॉन्टल। ये एक आइसोमेट्रिक का बेसिक डेफिनेशन है, आप इसको लिख सकते हैं। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में जो मेन पार्ट्स होता है, द मेन बॉडी ऑफ पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इट कंसिस्ट ऑफ आइसोमेट्रिक ड्राइंग के हम लोग अगर मेन पार्ट की बात करें तो मेन पाइप में लाइन नंबर, फ्लो डायरेक्शन, पाइपिंग कंपोनेंट, लाइन नंबर, फ्लो डायरेक्शन, पाइपिंग कंपोनेंट, वेल्ड जॉइंट टाइप एंड इट्स लोकेशन, कंटिन्यूस आइसोमेट्रिक नंबर, कोऑर्डिनेट एंड पाइप एलिवेशन, कनेक्शन डिटेल विथ इक्विपमेंट। अब हम लोग आपको दिखाते हैं कि लाइन नंबर कहाँ है। ये देखिए, ये आपको डिस्प्ले पे दिख रहा होगा, ड्राइंग नंबर 12 इंच OWS 723-3144A97A-1। ये आइसोमेट्रिक ड्राइंग का लाइन नंबर है। अब हम सेकंड देखते हैं, मटेरियल कोड क्या होता है। अब हम आइसोमेट्रिक के इस सेक्शन में देखते हैं कि यहाँ मटेरियल कोड, आइटम कोड का डिटेल दिया हुआ है। ये आइटम कोड लाइक पाइप का आइटम कोड है, पाइप एंड एल्बो एंड कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर, पाइप एल्बो एंड कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर का आइटम कोड यहाँ दिया हुआ है। अब हम लोग एक बार ड्राइंग को रीड आउट करके देखते हैं कि ड्राइंग में आखिर क्या, कौन से साइज का पाइप है और किस डायरेक्शन में वो फ्लो कर रहा है। अगर हम ड्राइंग में रीड आउट करें तो ये लाइन हमारा वेस्ट के साइड से
स्टार्ट हुआ है, वो ईस्ट की तरफ जा रहा है। ये ईस्ट की तरफ जाते हैं तो इसमें स्पूल आपको दिखता होगा, स्पूल 3। ये लाइन स्टार्ट हुआ है अप से, यहाँ अप से डाउन हो रहा है, अप से डाउन हुआ विथ रिड्यूसर के साथ 20/12 का 1 रिड्यूसर लगा है जिसके साथ ये डाउन हुआ। डाउन होने के बाद 1 एल्बो लगा है और एल्बो मूव कर रहा है वेस्ट डायरेक्शन में। वेस्ट डायरेक्शन में ये पाइप टोटल 26.022 मीटर पाइप मूव किया है। तो बेसिकली हम इस आईएसओ की अगर हम बात करें तो ये पाइप वर्टिकल होके डाउन हुआ है, वर्टिकल से डाउन हुआ है, डाउन होने के बाद वेस्ट की तरफ ये गया है। इसमें हम बात करें अगर स्पूल की तो इसमें टोटल नंबर ऑफ स्पूल 3 हैं और जो स्पूल 1, स्पूल 2 और स्पूल 3 इसमें दिखा रहा है। सबसे पहले चीज़ इसमें लिखा है कंटिन्यूसी टू ईस्टिंग, नॉर्थिंग एंड एलिवेशन। ये क्या है? ये एक है कोऑर्डिनेट। आइसोमेट्रिक ड्राइंग में लाइन का कोऑर्डिनेट सिस्टम से रिप्रेजेंट करते हैं। लाइन नॉर्थ में कितना ट्रेवल की और ईस्ट में ईस्ट डायरेक्शन में कितना ट्रेवल की है और अप डाउन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल की है, इन सभी डिस्टेंस को कोऑर्डिनेट से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आप इसमें देख सकते हैं एलिवेशन 101.950 है, तो ईस्टिंग और नॉर्थिंग एंड एलिवेशन आप सेम इसी टाइप से देख सकते हैं कि यहाँ ईस्टिंग नॉर्थिंग एंड एलिवेशन उसने बता रखा है। तो इस ईस्टिंग नॉर्थिंग से हमारा ये पता चलता है कि हमारा ये लाइन ईस्ट से वेस्ट में या नॉर्थ से साउथ में कितना ट्रेवल किया है और ये एलिवेशन में कितने चेंजेस आए हैं। जैसे देखिए 101.950 एंड हेयर इज द 98.704, एलिवेशन में भी चेंजेस है क्योंकि यहाँ वर्टिकल लाइन है। जो आप वर्टिकल लाइन देखें 3.059 मीटर का वर्टिकल लाइन जो लगा है, इसकी वजह से इसके एलिवेशन भी चेंजेस आया है। आप इस आईएसओ में देख रहे हैं कि स्पूल 1, स्पूल 2 एंड स्पूल 3 है। ये क्या है? स्पूल आईएसओ का मेन पार्ट होता है। टोटल आइसोमेट्रिक ड्राइंग का पाइप एक साथ फैब्रिकेशन और इरेक्शन पॉसिबल नहीं है और ट्रांसपोर्टेशन फैब्रिकेशन और इरेक्शन पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए आइसोमेट्रिक में स्पूल में डिवाइड करते हैं और हम स्पूल वाइज उस टोटल आइसोमेट्रिक को 3 or 4 part, 5 part, वो डिपेंड करता है कितना स्पूल है उसमें, उस स्पूल के हिसाब से हम लोग फैब्रिकेशन करते हैं। अब अगर हम लोग फ्लो डायरेक्शन की बात करें तो फ्लो डायरेक्शन में यहाँ दिख रहा है आपको डिस्प्ले पे कि फ्लो जो है वो टॉप साइड से डाउन साइड की तरफ, अप साइड से डाउन साइड की तरफ फ्लो हो रहा है। आप अगर यहाँ देखें तो यहाँ लिखा है कंटिन्यूसली टू 12 inch OWS 723 A97A-1। ये एक कंटिन्यूस आईएसओ नंबर है। जो ये जो टोटल आइसोमेट्रिक है वो इस आईएसओ से जाकर मिलेगा, तो आप इसको कह सकते हैं एक कंटिन्यूस आईएसओ नंबर दिया रहता है जो दोनों साइड अगर है। तो यहाँ भी कंटिन्यूसली टू AG, ये फॉर्म ये UG का ड्रॉइंग है और ये AG लाइन से कनेक्शन होगा। अब बात करते हैं सेक्शन ऑफ पाइपिंग आइसोमेट्रिक ड्राइंग के राइट साइड में जो डिटेल दिया रहता है उसके बारे में हम बात करते हैं। उसमें पाइपिंग कंपोनेंट डिस्क्रिप्शन, मटेरियल कोड, नॉमिनल साइज कंपोनेंट, क्वालिटी ऑफ कंपोनेंट, वेदर ए फील्ड और शॉप ज्वाइंट, ये उधर डिटेल ये अपना राइट साइड के कॉर्नर में दिया रहता है। जैसा कि आइसोमेट्रिक में हम आपको इस आइसोमेट्रिक में आप राइट साइड में देख रहे हैं कि ये कंपोनेंट में पाइप के बारे में डिटेल दिया गया है कि 20 इंच का पाइप इसमें कितना क्वांटिटी चाहिए 0.1 मीटर। अगर ये दूसरा नंबर की अगर हम बात करें तो इसमें 12 इंच के पाइप की कितनी क्वांटिटी चाहिए और 27.7 मीटर। तीसरे पार्ट की अगर हम बात करें तीसरे कंपोनेंट की तो एल्बो 90 डिग्री, 1.5 डिग्री रेडियस, 16.9 शेड्यूल स्टैंडर्ड, 12 इंच का एल्बो चाहिए वो भी क्वांटिटी 1 चाहिए, उसका आइटम कोड एंड क्वांटिटी, कॉन्सेंट्रिक रिड्यूसर चाहिए 20/12 का क्वांटिटी 1 नंबर। तो ये जो डिटेल है वो बिल ऑफ मटेरियल है, वो फैब्रिकेशन मटेरियल में जो भी चीज़ें यूज होने वाले हैं उसकी डिटेल यहाँ पे दिया रहता है। आइसोमेट्रिक ड्राइंग के बॉटम सेक्शन में कुछ डिटेल्स दिया रहता है। बॉटम सेक्शन आइसोमेट्रिक ड्राइंग की अगर हम बात करें तो उसमें प्रोजेक्ट नेम, क्लाइंट, PMC,
प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंसी एंड कॉन्ट्रैक्टर डिटेल, पाइपलाइन डिटेल, एग्जांपल लाइन नंबर, लाइन साइज, फ्लूड कोड, डिज़ाइन एंड ऑपरेटिंग टेम्परेचर, प्रेशर, पाइपलाइन क्लास, इंच मीटर, इंच डाया, स्पेशल नोट्स, कैरेक्टर फॉर एनी ड्रॉइंग, स्ट्रेस क्रिटिकल, हीट एक्सपेंशन, ये डिटेल आपके बॉटम साइड में दिया जाता है। चलिए हम आइसोमेटिक में देख, जैसा कि हमने देखा कि बॉटम साइड में अभी क्लाइंट का नेम डांगोटे ऑयल रिफाइनरी कंपनी लिमिटेड, PMC इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड, प्रोजेक्ट का नेम DRPP लेकी फ्रीजो नाइजीरिया, जॉब नंबर जोन, यूनिट नंबर यूटिलिटी एंड ऑफ साइड, ड्रॉइंग नंबर शीट नंबर 1/1, रिवीजन, ये डिटेल आपको, जैसे टोटल ज्वाइंट, अभी ज्वाइंट का डिटेल है, जैसे ज्वाइंट नंबर 1, 2, 3, 4, 4A, 4B, ऑल ज्वाइंट आर बट वेल्डेड ज्वाइंट एंड नाउ दिस साइड, नाउ इज द इंच मीटर, इज द इंच मीटर, टोटल इंच मीटर ऑफ द पाइप, नाउ द टेस्ट मीडियम हाइड्रो, हाइड्रो मीन्स वाटर, डिज़ाइन टेम्परेचर 65, DS हीट ट्रेसिंग 45, लाइक ए टोटल इंच डाया, 80, टेस्ट प्रेशर निगलिजिबल, पाइपिंग नॉमिनल साइज 12 इंच डाया। अगर हम बात करें कि इंच मीटर और इंच डाया कैसे फाइंड करते हैं अपने आइसोमेट्रिक ड्राइंग में, तो चलिए हम ड्राइंग देखते हैं एक बार। कैलकुलेशन ऑफ पाइपिंग डाटा फॉर आइसोमेट्रिक ड्राइंग, इंच मीटर, तो लेंथ ऑफ पाइप इन मीटर इन मल्टीप्लाई बाय साइज ऑफ पाइप इन इंच, ये देखिए दो चीज़ों को अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा इंच मीटर निकल जाएगा, लेकिन उसके लिए कंडीशन ये है कि पाइप का लेंथ हमें मीटर में पता होना चाहिए और पाइप का साइज हमें इंच में पता होना चाहिए, तब हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो वो हमारे पाइप का इंच मीटर होगा। इंच मीटर बेसिकली अगर हम इरेक्शन कर रहे हैं, अगर उसका मुझे DPR देना है तो हम बेसिकली इंच मीटर में उसका डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट देते हैं। इफ़ एनी आइसोमेट्रिक साइज ऑफ पाइप इज़ अ 10 इंच, अगर कोई भी आइसोमेट्रिक है जो 10 इंच का साइज़ का पाइप है, अगर टोटल लेंथ ऑफ द पाइप इज़ 25 मीटर, अगर हम टोटल लेंथ ऑफ द पाइप की बात करें उसमें यूज़ हुआ उस आइसोमेट्रिक में, अगर वो 25 मीटर का है तो टोटल इंच मीटर 25 × 10 इज इक्वल टू 250 इंच मीटर, अगर हम कैलकुलेशन करें तो वो 250 इंच मीटर उस आइसोमेट्रिक के बिहाव पे होगा। अगर आप वो काम कंप्लीट करते हैं तो आप अपना डेली प्रोग्रेस रिपोर्ट में 250 इंच मीटर का डिटेल दे सकते हैं कि ये अकॉर्डिंग लाइन नंबर है और हमने ये इतना इंच मीटर का काम किया है। इसी इंच मीटर से आप उस आइसोमेट्रिक का स्कोप निकाल सकते हैं कि टोटल इरेक्शन का इतना स्कोप है। अगर हमारे पास 10 आइसोमेट्रिक ड्राइंग है तो हम टोटल इंच मीटर को कैलकुलेट करके ये बता सकते हैं कि इन 10 इंच मीटर में इतना काम का स्कोप है हमारा। चलिए इसी तरह देखते हैं कि इंच डाया, अब अगर हम इंच डाया की बात करें तो इंच डाया होता है कि आपने नंबर, आपके आइसो में टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट कितने हैं और टोटल नंबर ऑफ ज्वाइंट का साइज़ क्या क्या है, उन टोटल ज्वाइंट का जो कैलकुलेशन करने के बाद आपका टोटल इंच डाया कितना होता है तो उसको हम लोग इंच डाया बोलते हैं। अभी इंच डाया हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, इसके लिए एक फार्मूला है, साइज ऑफ पाइप ज्वाइंट इन इंच, साइज़ ऑफ जो पाइप और ज्वाइंट वो इंच में होगा उसको मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ ज्वाइंट से। सपोज़ कीजिए कि हमारा 10 इंच का पाइप है और 10 इंच का 8 ज्वाइंट है, 10 इंच का पाइप है और 10 इंच के पाइप में 8 ज्वाइंट टोटल आ रहा है, अगर हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे 10 × 8 इज इक्वल टू 80 इंच डाया, तो अब हम ये कह सकते हैं कि टोटल इंच डाया जो हमारे आइसोमेट्रिक में है वो 80 इंच डाया है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखा कि आइसोमेट्रिक क्या होता है, आइसोमेट्रिक में हम लोग कैसे ड्राइंग को स्टडी करते हैं, इसमें टोटल स्पूल कितना दिया है, कितना इंच मीटर है, कितना इंच डाया है, हम लोग इंच मीटर कैसे फाइंड करते हैं, इंच डाया कैसे फाइंड करते हैं, ये सब इस डिटेल आपने इस वीडियो में देखा। आपको बिल ऑफ मटेरियल के बारे में, आइटम कोड के बारे में, ये सब आप इस वीडियो में आपने देखा है। आप अगर एक बार में ना समझ गए, ओके, इंशाल्लाह जल्दी मैं नेक्स्ट वीडियो लेकर फिर आऊँगा। जब तक आप अपना ख्याल रखें, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।